अज जिला फरीदकोट के हलका कोटकपुरा के एम एल ए कुलतार सिंह संधवा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीज घोटाले विच लुधियाना के एक पेस्टीसाइड विक्रेता उत्ते होए मामले दर्ज ते एम एल ए कोटकपुरा ने लगाए सरकार के सवालिया निशान। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां लोगों को बयान विच रहियां ने उलझा। देखिए पंजाब में जो दोनों एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशनल पार्टीज हैं, बादल दल, अकाली दल तो मैं इसको बोलूंगा नहीं, अकाली वाले काम नहीं करते, और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों ही घोटाले घोटाले का खेल खेल रहे हैं, घपले घपले का खेल खेल रहे हैं। दोनों घपले करते हैं, एक दूसरे घपले की जो इंक्वायरी उसकी मांग करते हैं, पूरी हाई पिच पे मांग करते हैं, लेकिन मांग ही करते हैं, उसका होता कुछ नहीं। पिछले 10 साल बादल दल ने पंजाब का कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसको लूटा नहीं है। ट्रांसपोर्ट बादल दल खा गया, सिर्फ ऑर्बिट चलती है। केबल बादल दल खा गया, सिर्फ वो लुधियाना वाला फास्टवे चलता है। जो शराब का जो काम था, एक्साइज का काम था, वो सारा इनका जो माफिया बना वो खा गया। जो सैंड माफिया है वो इनका था सारा, वो खा गया। बिजली पंजाब में सबसे महंगी है, उसमें करप्शन इन्होंने कर ली। इन सारी बातों पर कांग्रेस ने पिछले 10 साल पूरे हाई पिच पे एक्शन की मांग की। लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भरोसा करते हुए कि ये इन सारे मामलों पे, चाहे वो बरगाड़ी कांड हो, चाहे वो नकोदर कांड हो, चाहे वो केबल माफिया हो, चाहे वो लैंड माफिया हो, सैंड माफिया हो, कोई भी माफिया हो, उस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्शन लेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने इन्होंने अपने माफिया, अपने इसमें वो जो माफिया पत्र ही बोलूँगा वैसे तो, इनका जो मैनिफेस्टो था उसमें भी इन्होंने ये लिखा था कि मैं बिजली सस्ती करूँगा, लेकिन हर रोज बिजली महंगी हो रही है। एक भी घोटालेबाज इन्होंने पकड़ा नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और एक दूसरे को ये जरूर बोल रहे हैं कि हमारे पास तुम्हारी भी फाइलें पड़ी हैं, मतलब एक दूसरे की कमजोरी रखकर अपने पास ये पंजाब को लूट रहे हैं और पिछले 70 साल से लूट रहे हैं। आज ये जो बीज घोटाला हुआ है पंजाब में, उसके लिए जैसे कांग्रेस मांग करती थी मंगल सिंह के समय, तोता सिंह जी के समय, वैसे अकाली दल भी मांग कर रहा है। ये मांग ही करते रहे हैं, एक्शन कोई नहीं करता। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हमने ये अल्टीमेटम दिया कि आपके पास 1.5 साल का समय है, समय रहते आप एक्शन लीजिए, नहीं तो लोग झाड़ू मारकर आप दोनों के जो कालो कारनामे उनको एक्सपोज करेगी पंजाब की जनता। पंजाब में आप आपकी पार्टी की सरकार बनेगी और आप सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी, और जो जो घाटा पंजाब के लोगों को, पंजाब के खजाने को पड़ा है, वो आप सबकी इल गॉटन जो जायदाद है उसको बेचकर पूरा नीलाम करके पूरा किया जाए। जगतार दुसाई की रिपोर्ट, टीवी NRI।